आई गेस अब मैं ऑडिबल और विजिबल दोनों हूँ, ठीक है? पहले मैं सिर्फ विजिबल थी, अब मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूँ, ठीक है? तो जल्दी से मुझे बताओ कि भाई चल रहा है, सब चीजें चल रही है या नहीं? हाँ, अब सही है। अभी ऑडिबल, अभी ऑडिबल है हम। अरे मैं क्यों भूल जाऊंगी भाई, पहले तो तुम लोग लिंक शेयर करके आओ एक बार ना, लिंक की स्पैम कर दो, मतलब लिंक को जाके स्पैम कर दो सब जगह कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है एंड आई वांट ऑल 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 माय स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस क्लास। तो जल्दी जाके फटाफट से सबको बुला लो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुझसे एक रिक्वेस्ट है, बताओ भाई क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी? रिक्वेस्ट सराखों पर एक बार जाके यार लिंक वगैरह शेयर करके आओ, एक बार जाके सबको बुला के लेके आओ और सबको बता के आओ कि भाई क्लास इम्पोर्टेंट है तो सबका आना भी जरूरी है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय श्रियम, स्टाफिंग अच्छे से करा देना। अरे मैं तो तीनों ही चैप्टर्स अच्छे से करा रही हूँ यार, तुम सिर्फ स्टाफिंग की बात कर रहे हो, मैं तो तीनों ही चैप्टर अच्छी तरह से कराने वाली हूँ। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में हम लोगों की जो एनसीईआरटी है तीनों चैप्टर की, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, मतलब तीनों हमारे जो चैप्टर है, हम उन तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग सबको बुला के ले आओ। कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी है आप लोगों के लिए और बाकी की कुछ चीजें हम लोग साथ में हाईलाइट करने वाले हैं। साइड बाय साइड मतलब हाईलाइटेड चीजों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती रहूंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होते जाएंगे। और हर चैप्टर के बाद हम 3-4 मिनट का ब्रेक भी लेंगे ताकि आप लोगों का चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट होता जाए, ठीक है? सो एक रिक्वेस्ट है सिर्फ आप लोगों से कि आप इस क्लास का लिंक जो है वो सबके साथ शेयर करके आ जाओगे तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि सब तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इस लिंक को आप लोग शेयर करके आ जाओ, रेस्ट आई विल हैंडल, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टाफिंग चैप्टर, स्टाफिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके टर्म टू का फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टाफिंग ही है। इस स्टाफिंग चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या देखना है, इस स्टाफिंग चैप्टर के अंदर आपको देखना है कि हमारे जो स्टाफ है, हमारा जो एम्प्लॉई है, वो एग्जैक्टली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है, कहाँ से आता है, कैसे उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो एनसीईआरटी में ना कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं जो उसी से रिलेटेड बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो और हम लोगों के लिए भी टाइम बहुत प्रीशियस है। और ये वाला जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ एनसीईआरटी। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लाइन यहाँ पे लिखी है बच्चा पार्टी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो हाईलाइट मैंने कर रखी है। क्या है वो लाइन, अच्छी तरह से देखो। लाइन इज, आर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर। देखो मैंने थोड़ा सा जूम इन कर दिया आप लोगों के लिए, क्या लिखा है कि हमारे जो असेट्स है वो हर इवनिंग बाहर जाते हैं और हम लोगों को मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे पास वापस है। यहाँ पे जो असेट्स वर्ड लिखा है ना बच्चा पार्टी, ये असेट्स वर्ड आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉय को डिनोट कर रहा है कि आपका एम्प्लॉय रोज शाम को घर जा रहा है लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से नहीं रखा होगा ना तो कल सुबह वापस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जो हमारा असेट वर्ड है ना वो असेट वर्ड डिनोट करता है आप लोगों के एम्प्लॉय को। तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये लाइन आपको दे दी, ठीक है? यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाली लाइन आपको दे देंगे और लाइन देने के बाद आपको बोलेंगे कि भाई एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे असेट किसको डिनोट करता है, कौन से फंक्शन की बात हो रही है, एक्सप्लेन दैट फंक्शन। तो यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करो। ओके, फिर उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टाफिंग का मीनिंग, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, लैग हो रहा है? अरे अभी नहीं हो रहा होगा, देखो अभी नहीं हो रहा होगा, अभी ठीक है, अभी नहीं हो रहा, यस ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास जो है बच्चा पार्टी वो है मीनिंग। आप देखो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग के अंदर
दो डेफिनेशन आप लोगों को मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी है। एक सिंपल डेफिनेशन है, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब, लोगों को जॉब पे प्लेस करना स्टाफिंग कहलाता है। और एक ये वाली डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें डेफिनेशन में क्या दे रखा है, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजेरियल फंक्शन टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब आपकी जो पोस्ट है उसको फिल करना और उसको फिल्ड रखना, यही हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग आप लोगों को यहाँ पे देखो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने वहां पे हाईलाइट करके इसको शॉर्ट कर दिया। देखो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट जो बेनिफिट है स्टाफिंग का, ऑब्वियस सी बात है स्टाफिंग आपको डिजर्विंग और कॉम्पिटेंट लोगों को मतलब ढूंढने में हेल्प करता है ना, तो आपका फर्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है बच्चा पार्टी, सेकंड पॉइंट है आपका हायर परफॉर्मेंस, क्योंकि आप सही पर्सन को सही प्लेस पे रखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सेकंड जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूस सर्वाइवल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना एम्प्लॉय के वर्क नहीं कर सकता, तो कंटिन्यूस सर्वाइवल अगर चाहिए तो आपको स्टाफ चाहिए, स्टाफ चाहिए तो स्टाफिंग फंक्शन चाहिए, राइट। तो ये तीन पॉइंट हो गए। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फोर्थ पॉइंट हमको दे रखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाईलाइटेड कि हम लोगों का यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक पर्सन जो सही से काम कर रहा है, ठीक है, उसको अगर सही प्लेस पे रखा जाए तो वो अच्छी तरह से काम करेगा। अगर उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए तो वो अच्छे से काम करेगा। तो अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो इन दैट केस स्टाफिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट आपको दे रखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। आपकी जॉब से आप सेटिस्फाइड कब रहोगे, जब आपको आपका मनचाहा काम मिलेगा। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको साइंस पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो फिर क्या होगा, आपका मन लगेगा वहां पे? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, राइट। तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करने में कौन हेल्प करता है, स्टाफिंग हेल्प करता है। तो स्टाफिंग से आपका जॉब सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होता है। तो ये पांच पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे किसके देखे बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंस के देखे। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक देखते हैं। ये वाला जो आपका टॉपिक है ना दैट इज डिलीटेड, तो अच्छी अच्छी तरह से ना मतलब डिलीटेड वाले पोर्शन को काटने में बहुत मजा आता है सब लोगों को। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चा पार्टी, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ये जो HRM वाला है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये इवोल्यूशन ऑफ HRM भी आपका डिलीटेड है, तो ये आप यहाँ से कट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब अगर मुझे स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटू सा ये वाला टॉपिक है हमारा। फर्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, NCERT के पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडीज जब हम सॉल्व करते हैं तो ये NCERT के पॉइंट्स ही है जो हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मुझे मेरी एम्प्लॉई के, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को रखना है, तो पहले ये तो पता लगा लूं कि कितने एम्प्लॉय को रखना है। या बिना मतलब बिना सोचे चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसे करेंगे क्या हम लोग? ऐसे थोड़ी करेंगे। हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि मुझे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और वो पता लगाने के लिए हम लोग दो काम करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे अलग अलग कलर से इसको दो कामों को हाईलाइट कर रखा है। वो दो काम कौन से है बच्चा? एक है वर्क लोड एनालिसिस और एक है वर्क फोर्स एनालिसिस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है लेट मी टेल यू। ठीक है, वर्क लोड और वर्क फोर्स। वर्क लोड काम कितने लोगों का है, वर्क फोर्स मेरे पास एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं, समझ रहे हो? वर्क लोड काम कितने लोगों का है, फॉर एग्जाम्पल एक काम 10 लोगों का है, दैट इज वर्क लोड। ठीक है, वो काम के लिए मेरे पास अभी कितने लोग हैं, दैट इज वर्क फोर्स। वर्क लोड एंड वर्क फोर्स, इन दोनों का डिफरेंस हमको हेल्प करता है ये पता लगाने के लिए कि हमको कितने एम्प्लॉय की जरूरत है। 10 लोगों का काम है सपोज, ठीक है, और मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास 8 लोग हैं। 10 लोगों का काम है, मेरे पास 8 लोग हैं, मतलब मैं अंडर स्टाफ हूं, मुझे 2 लोगों की जरूरत है। 10 लोगों का काम है, मेरे पास 15 लोग हैं, मतलब मैं ओवर स्टाफ हूं, 5 एक्स्ट्रा है मेरे पास।
ठीक है, तो और 10 लोगों का काम है, 10 लोग है, मतलब मैं बिल्कुल लेवल पे हूँ, मुझे एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, मुझे स्टाफिंग प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है उस केस में। तो ये वर्कलोड और वर्कफोर्स, देखो आपको पिंक और ग्रीन हाईलाइट यहाँ पे दिख रहा है, पिंक हाईलाइटेड जो पोर्शन है ना बच्चा, ये वाला, ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, आप ये पता लगा रहे हो कि मुझे काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। वर्कफोर्स में आप ये पता लगा रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितने नंबर अवेलेबल है। दोनों का डिफरेंस वर्कलोड माइनस वर्कफोर्स आपको ये बताएगा कि आपके कितने एक्स्ट्रा लोगों की आपको जरूरत है। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया है, ये हमने यहाँ पे अच्छी तरह से पता लगा लिया। सेकेंड स्टेप हमारा आता है रिक्रूटमेंट। ऑल्दो रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा टॉपिक अलग से भी हमको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे भी आपको रिक्रूटमेंट दे रखा है। व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मतलब आओ, ठीक है, आइए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, प्लीज आके अप्लाई कीजिए। ठीक है, जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो बोले आओ बेटा, आ जाओ, जितने लोग चाहे उतने अप्लाई कर दो, फिर चूज करना मेरे ऊपर है। मेरे को 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, अभी मेरे पास 150 बच्चे बैठे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा आ जाओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। अब उन 5 पोस्ट के लिए 150 ने अप्लाई किया है, क्योंकि सब लोग दीपिका मैम के साथ काम करना चाहते हैं, है ना, सब लोग दीपिका मैम के साथ काम करना चाहते हैं ना, सच्ची सच्ची बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार, सब लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो सब लोगों को जरूरत है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में सब 150 लोग यहाँ पे 153 अप्रोक्स 157 धीरे धीरे बढ़ रहे, जल्दी मुझे लगता है 200 250 300 तक हमारा ये पहुंच जाएगा जो लाइव क्लास चल रही है हमारी। अच्छा, सचिन सर आ गए हैं। सचिन सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये क्लास का लिंक जाके सारे क्लासेस में, सारे ग्रुप्स में, सारे टेलीग्राम चैनल्स में, और आपकी भी फैन फॉलोइंग बहुत है, तो आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है उन बच्चों के साथ जरा शेयर अगर करके आ जाएंगे तो थोड़ा हम जैसे छोटे लोगों को भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो भी, जो भी हमारे DDS है, मतलब दीपिका मैम के डेडिकेटेड स्टूडेंट है, #DDS ना, तो जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे DDS है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी DDS कि तुम्हारी मैम को प्रमोट करने के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, तो थोड़ा सा जाके लिंक शिंक शेयर करके आओ, सारी ग्रुप में स्पैम करके आओ थोड़ा सा, और सबको बोल के आओ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसा रिविजन और ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन शायद कहीं नहीं हुआ होगा और कोई नहीं करवा रहा होगा, तो अच्छा खासा हमारा ये प्लेटफॉर्म चल रहा है यहाँ पे, तो एक बार सबके साथ आप लोग जाके लिंक शेयर करके आ जाओ। चलिए, तो रिक्रूटमेंट पे आ रहे थे कि भाई हमारे को ना 5 लोगों की जरूरत थी, मैंने बोला कि भाई दीपिका मैम की फर्म में वैकेंसी है, तो कोई आ सकता है क्या यहाँ पे? ठीक है, कोई आ सकता है कि यहाँ पे? तो भाई सब लोग आ गए यहाँ पे, मतलब मेरे पास 150 एप्लीकेशंस आ गए। तो रिक्रूटमेंट इज मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्रूटमेंट, कि उनको मोटिवेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, कृपया करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्रूटमेंट। ओके, चलो नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर बच्चा पार्टी? सेलेक्शन। सेलेक्शन अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी मीनिंग पता होना चाहिए। अच्छा, एक ना रिक्रूटमेंट सेलेक्शन से रिलेटेड एक बात आती है कि रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है, सेलेक्शन जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है। ऐसा क्यों भाई, क्यों? देखो, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, बुलाते हैं। रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बुला रहे हैं कि आओ और अप्लाई करो। सेलेक्शन में हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं, हम सेलेक्शन के अंदर उनको कम करते जा रहे हैं, हम उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस एंड रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। अब 150 लोगों ने अप्लाई किया पर वैकेंसी तो 5 की है ना, मैं सबको तो नहीं रख सकती ना, तो सेलेक्शन जो है वो आपको बेस्ट 5 सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। और सेलेक्शन हम क्यों करते हैं, ताकि हम लोग सबसे पहले तो बेस्ट को चूज कर सके। सिलेक्शन के 2 पर्पस है बेटा, ठीक है, सिलेक्शन के 2 पर्पस है मेजर। पहला कि जो है ना, हम लोगों को बेस्ट मिलना चाहिए, तो पहला पर्पस ये है कि टू सेलेक्ट दी बेस्ट। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है कि बेचारा जो बंदा सेलेक्ट हुआ है उसके अंदर भी कोई फीलिंग होनी चाहिए यार, कि हाँ मुझे इतने सारे लोगों में से सेलेक्ट किया गया है। मतलब जो सिलेक्शन के बाद जो बंदा आया है सामने, उसको भी थोड़ा सा तो गर्व महसूस होना चाहिए ना, इतने सारे लोगों में मैं सेलेक्ट हो गया हूँ।
और वही एक ही आया, एक ही को सेलेक्ट कर लिया, तो उसको पता है यार इनके पास ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है मैं ही हूँ, जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा एक्सटेंसिव होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ही एस्टीम बढ़ेगी, उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ओके बच्चा पार्टी, चलिए तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन। अब हमारे पास है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है जॉब पे प्लेस करना, भाई आपने जॉब यहाँ पे आपके पास है, ठीक है अब उस पे बंदा आ रहा है, अब उसको प्लेसमेंट भी दोगे ना, या मैं सिलेक्शन करके उसको बताना ही नहीं है, बस हमने चोरी छुपके सिलेक्शन कर लिया और उसको बताना ही नहीं है। प्लेसमेंट में हम उस बंदे को बताएंगे कि भाई बधाई हो, तुमको हमने इतने सारे नलायकों में से चूज कर लिया है, ठीक है। तो प्लेसमेंट में हम उस बंदे को बताएंगे कि भाई तू सेलेक्ट हो चुका है, तू हमारे लिए बहुत काम का बंदा है और तू कल से आ सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि हम मिलके काम कर सके। ओके तो प्लेसमेंट में वी आर प्लेसिंग द पर्सन ऑन द जॉब। ओरिएंटेशन का मतलब फेमिलराइजेशन कि हाँ भाई यहाँ क्या क्या काम होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रूल्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, ये सारा चीजें हमारी को किसमें देखना होता है, ओरिएंटेशन में। तो प्लेसमेंट का मतलब जॉब पे प्लेस करना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशन का मतलब आप लोगों को फेमिलराइज करवाया जाएगा कि देखो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, हम यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, ये बॉस है, ये तुम्हारे जूनियर्स है, ये हमारे रूल्स है, ये सारी चीजें ओरिएंटेशन कहलाती है, ठीक है। चार स्टेप हो गए, जल्दी से बताओ चार स्टेप कौन कौन से थे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेप कौन सा था, कौन बता रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी से बता दो भाई और बहनों, जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे रिप्लाई यहां पे आ रहे हैं। सॉरी हाँ भाई, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आया है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर हमारे पास है रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। ये स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई और बहनों, एक बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया, ऑल्दो उसको काम आता है, लेकिन फिर भी आपको उसको ट्रेन तो करना पड़ेगा ना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से होता है, दैट यू हैव टू ट्रेन हिम ना। तो ट्रेनिंग आपको उसको जॉब से रिलेटेड काम सिखाना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है। डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल ग्रोथ। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है, एवरीवन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज ऑन द टॉप। और वो टॉप पे तभी पहुंच सकता है जब आप उसको ट्रेन करो, जब आप उसको डेवलप करो। तो सबको राइट है, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम फॉलो करता है, वहां पे एम्प्लॉय भी खुशी खुशी काम करते हैं, उनके अंदर भी मोटिवेशन आता है कि मैंने कुछ नया सीखा, मुझे सिखाया गया, ठीक है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स यू टू मोटिवेट, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम आए, तुमने काम करना स्टार्ट किया, अब मुझे तुमको बताना तो पड़ेगा ना कि मेरा ये स्टैंडर्ड है और तुम जो काम कर रहे हो ये बिलो स्टैंडर्ड है, अबव स्टैंडर्ड है या ऑन द स्टैंडर्ड है, जो भी चीजें हैं मुझे तुमको बतानी तो पड़ेगी ना। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली एन इवैल्यूएशन कि जो बंदा काम कर रहा है वो कैसा कर रहा है। मैं उसको इवैल्यूएट तो करूंगी ना कि काम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लियर? ओके एवरीवन, सो ओके, चलो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट सेकंड पॉइंट है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया, ठीक है, और मैंने देखा यार ये बंदा जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब क्या बताऊं, मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है ना, और मैं मतलब एकदम खुशम खुश हो गई, यार ये तो डिजर्व करता है, यार इसको मुझे आगे पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, बहुत मतलब होता है ना मुकैम्बो खुश हुआ, वो मुकैम्बो अगर खुश हो जाए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में तो प्रमोशन होगा, करियर प्लानिंग होगी, उसके आगे की फ्यूचर की प्लानिंग होगी कि मतलब इसको तो मुझे स्टार बनाना है, तो मैं उसके आगे फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचूंगी। तो स्टाफिंग में आपको बंदे के प्रमोशन का भी सोचना होता है, उसके आगे के करियर के बारे में भी सोचना होता है,
और लास्ट पॉइंट जो कि मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे फर्स्ट पे आ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है एनसीईआरटी है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हम लास्ट में ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉम्पेंसेशन जो यहाँ पे दे रखा है ना बच्चा, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है पेमेंट। हर बंदा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है फ्री फोकट में तो नहीं कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अब पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई भी आप एनजीओ तो चला नहीं रहे, ठीक है, या कोई यहाँ पे हमें अंबानी जी की तो यहाँ पे मतलब अंबानी जी के रिश्तेदार तो हम हो नहीं रहे जो हम फ्री में काम करेंगे, हम फ्री में नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे पैसा लेंगे। तो कॉम्पेंसेशन इज बेसिकली डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन। अब वो डायरेक्ट फाइनेंशियल भी हो सकता है और इनडायरेक्ट पेमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आप पेड इंश्योरेंस दे रहे हो, आप घर दे रहे हो, गाड़ी बंगला मकान, गाड़ी बंगला मकान तो सेम ही होता है, गाड़ी घर ये सब दे रहे हो अगर आप, तो दिस इज इनडायरेक्ट। और डायरेक्टली भी हम जो सैलरी वेजेस बोनस कमीशन ये सब देते हैं ये हमारे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। तो कॉम्पेंसेशन इज बेसिकली डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन और द पेमेंट दैट वी आर गोइंग टू गिव टू द एम्प्लॉय, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू वर्क फॉर फ्री ना। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके आपको बता रखा है कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ओके, सो दिस इज वॉट, दिस इज अबाउट स्टाफिंग प्रोसेस। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि सब लोगों को स्टाफिंग प्रोसेस क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है। आप अगर कुछ पूछना चाहो, बताना चाहो, मतलब मुझसे डिस्कस करना चाहो तो आई एम योर, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। कौन कौन लोग आए, थोड़ा मुझे मतलब आज बहुत दिनों बाद यहाँ पे मेरे पास इतने मतलब लाइव स्टूडेंट बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे, तो कौन कौन यहाँ पे आए हैं। ओके, सजल, आयुष, हाँ आयुष भाई सुना, टेलीग्राम का लिंक दे दो, अभी दे देते हैं भाई, अभी हम पिन कर देते हैं। एक मैंने ना वीडियो का लिंक पिन कर रखा है, हाउ टू राइट आंसर्स, ठीक है, तो आप लोगों से मेरी एक दरखास्त है, ठीक है, कि कृपया करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि देखो कंटेंट सब पढ़ लेंगे लेकिन हम लोगों को उसको लिखना भी आना चाहिए, है ना, तो लिखने के लिए आप लोगों को ये वाला काम करना पड़ेगा। ये लो, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे पिन कर दिया है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अंश बोल रहे मुझे तो जानते ही होंगे, हाँ भाई तुझे तो जानते ही हैं। हाय वरुण, वरुण इज ऑल्सो हियर, और भी बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर मैं वेट कर रही हूँ कि मतलब मिनिमम 200 बच्चे जब यहाँ आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं क्लास ले रही हूँ, कुछ तो भी मतलब पॉजिटिव वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। चलो केस स्टडी भी कराएंगे बच्चा, या धीरे धीरे करके एक एक करके करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखो अब ना स्टाफिंग में आप लोगों को तीन चीजें करनी है, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन, ठीक है, स्टाफिंग में आपको तीन चीजें करनी है, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहला हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लोगों को मोटिवेट करना कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है। अब लोगों को पता भी तो पड़ना चाहिए ना वैकेंसी है, तो कैसे पता पड़ेगा लोगों को, लोग कैसे आएंगे आपके पास, लोग कैसे आके आपके पास अप्लाई करेंगे, ये चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। ओके, देखो रिक्रूटमेंट में आपके पास दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब घर की बात है ना, अपने अंदर अंदर के लोगों को इधर उधर करके अपनी वैकेंसीज को फिल कर दो, ठीक है। इंटरनल मतलब अभी हो गया सही, हाँ भाई, इंटरनल का मतलब होता है आप घर की बात, अपने अंदर अंदर के लोगों को इधर उधर करके आप क्या कर लो, इधर उधर करके आप अपनी वैकेंसीज को फिल कर दो, राइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज इंटरनल सोर्सेज। देयर आर टू सोर्सेज जो इंटरनल के अंदर आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। पहला कौन सा है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, ट्रांसफर का मतलब होता है जहां पे वैकेंसी है और जहां पे सरप्लस है, तो सरप्लस वाले लोगों को वैकेंसी वाली जगह पे क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रह जाएगा आपका, ठीक है। ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि आपका ही एम्प्लॉय है, ओरिएंटेशन भी नहीं कराना पड़ेगा, सिलेक्शन का पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, कॉस्ट भी नहीं लगेगी, मतलब कितना अच्छा सा काम किया आपने ना, कि जहां सरप्लस है एम्प्लॉय भी यूटिलाइज हो गया, कि जहां सरप्लस है वहां से लेके जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे शिफ्ट कर दो। तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है बच्चा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हम करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफर बोलते हैं। आई बात समझ में सब लोगों को,
तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा था, ट्रांसफर से ना एम्प्लॉय को आप चीजें सिखा सकते हो। तुमने ना बैंक वगैरह में देखा होगा, कभी कोई बंदा कैशियर मतलब एज अ कैशियर की पोस्ट पे बैठा होगा, कभी कोई बंदा मतलब एफडी वाले काउंटर पे बैठा होगा, कभी कोई करंट अकाउंट वाले, वो चेंज होते रहते हैं। ये ट्रांसफर क्या है, ये ट्रांसफर उनको हेल्प कर रहे हैं नया काम सीखने में। तो ट्रांसफर ना ट्रेनिंग देने में भी हेल्प करता है। अब वो बैंक का बंदा जो है ना वो सब काम कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है। वो ट्रांसफर में हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे हम वर्टिकल की बात करें, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब नीचे वाली पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पे भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्रमोशन कर रहे हैं तो हम हायर पोजीशन पे भेज रहे हैं, ठीक है। हम नीचे वाले पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पे भेज रहे हैं, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी, उसका हो सकता है स्टेटस पेमेंट वगैरह सब बढ़ जाए, ठीक है। तो प्रमोशन से भी बहुत मोटिवेशन यहाँ पे लोगों को मिलता है। ओके, अभी क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ना इंपॉर्टेंस दे रखे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे तो पॉइंट ना बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखे, लेकिन आपको इतनी डिटेल में पॉइंट पढ़ने नहीं है, आप लोगों को सिर्फ मतलब कुछ कुछ पता होना चाहिए कि हाँ इंटरनल के अगर मेरिट्स पूछ लिए जाए तो व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ इंटरनल, ठीक है। इंटरनल के मेरिट्स है एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाता है। देखो तुम खुद सोचो, चलो मैं यहां से नहीं भी पढ़ रही हूँ, ठीक है। इंटरनल के मेरिट्स सोचो, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा, पैसे कम लगेंगे, ठीक है। हमारा सिलेक्शन का टाइम बच गया, ठीक है। हमारी कॉस्टिंग कम हो गई, राइट। ये देखो ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी, सिलेक्शन नहीं करना पड़ा, बस शिफ्ट कर दिया, जहां पे सरप्लस था वो शिफ्ट कर दिया, हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों बच गए, तो चीपर एज इट इज। तुम खुद भी लिख सकते हो ये वाले, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हो। लिमिटेशन देखो यहाँ पे क्या क्या लिमिटेशन है, फ्रेश टैलेंट नहीं आ पाया, आप वही घिसे पिटे लोगों से काम चला रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉय लिथार्जिक हो जाएंगे, लिथार्जिक मतलब प्रमोशन तो होना ही है, काम करो नहीं करो। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे हो जाता है, उसको पता है कि मेरी सैलरी बढ़ेगी, उसको पता है मेरा प्रमोशन होगा, काम करो चाहे मत करो। तो यहाँ पे एम्प्लॉय थोड़ा लिथार्जिक हो जाते हैं। अब समझो न्यू एंटरप्राइज है, उसके पास तो इंटरनल का ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो एक्सटर्नल ही रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट जो मेजर लिमिटेशन है वो कॉम्पिटिशन ही नहीं आता। कोई नया बंदा आता है वो अपने साथ न्यू स्किल्स लेके आएगा, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होगा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्यों प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लोग उसी स्पीड में, कुछ मतलब हैपनिंग ही नहीं हो रहा जिंदगी में, वही का वही माहौल चले जा रहा है, कुछ भी हैपनिंग नहीं हो रहा है जिंदगी में, ठीक है। तो मतलब क्या ही है, वही प्रोडक्टिविटी है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक्सटर्नल सोर्सेस का मतलब होता है बाहर से लोगों को बुलाना। अब इंटरनल हमारे पास नहीं है, हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, तो देर आर वेरियस सोर्सेज। अब यहाँ पे मैंने ना मेरा हाईलाइटर खत्म हो गया था, तो मैंने हाईलाइट नहीं किया इसके बाद से, लेकिन अभी मैं कर दूंगी तुम्हारे साथ साथ। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है कि मेरी कंपनी है, कंपनी के गेट पे मैंने क्या कर दिया, मतलब प्लेस कर दिया एक नोटिस कि मुझे इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पे सेकंड लाइन से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, वो आप खुद देखो, अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस, ठीक है। जॉब सीकर्स आएंगे और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली तुम सोचो कि मैं तो मैनेजर अपॉइंट करूंगा ऐसे, तो भाई मैनेजर सड़क पे थोड़ी घूम रहा है जो तुम्हारा नोटिस बोर्ड देख के अंदर आ जाएगा। स्किल्ड वर्कर के लिए दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ये आपके जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना, जिनको डेली वेजेस हम लोग देते हैं, उनके लिए ये अच्छा तरीका है, उनके लिए ये मतलब अच्छा है, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर चाहो कि मैं तो मैनेजर्स को इससे अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो नो, दिस इज नॉट फॉर दी मैनेजर्स, ठीक है। फिर हमारे पास है कैजुअल कॉलर्स। देखो बेसिकली कैजुअल कॉलर्स रेप्यूटेड कंपनीज के लिए होता है, जो बड़ी बड़ी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना बेटा, वहां पे लोग बिना काम ही अप्लाई करते रहते हैं, वहां वैकेंसी हो चाहे ना हो, वहां पे वैकेंसी मतलब लोग अप्लाई करते ही रहते। तो उन लोगों के पास ना बहुत सारी एप्लीकेशंस इकट्ठी हो जाती है, जिनको बोला जाता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ठीक है। अब वो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स जो होते हैं, उनका डेटा उनके पास ऑलरेडी है, तो जब भी वैकेंसी अराइज होगी, बस उन एप्लीकेशंस में से लोगों को कॉल करके बुलाना है, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली नोन एज कैजुअल कॉलर्स।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ कॉस्टिंग ही नहीं लग रही ना, उनको एडवर्टीजमेंट देना पड़ा बस, वो जो जॉब सीकर्स की लिस्ट है उसमें से उनको अच्छे वाले को ढूंढ के बुला लेना है, ठीक है, आ समझ में। यहाँ पे उनकी कॉस्टिंग नहीं लगती बेटा, ये यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर उनका जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है मेरिट, ये रहा रिड्यूस द कॉस्ट, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट देना ही नहीं पड़ा, उनके पास तो अपने आप एप्लीकेशन आ रही है तो उनको तो यहाँ पे कुछ देना ही नहीं पड़ा ना, राइट। ओके चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा पार्टी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट एडवर्टीजमेंट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई ओके, आनंद जी अच्छे से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमारे पास है एडवर्टीजमेंट। नाउ व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, ये मोस्ट कॉमन है, तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर डेली एक क्लासिफाइड का कॉलम आता है, उस क्लासिफाइड में अलग अलग हेड्स के अंदर वैकेंसीज जनरेट करके दिखा दी जाती है, ठीक है, मतलब वैकेंसीज दिखाई जाती है और आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन, यहाँ से आपको मैक्सिमम डेटा मिलने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड ट्रेड जर्नल ये बहुत ही कॉमन है, इसमें आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा होती है, ये ट्रेड के अंदर जब आप करते हो ना प्रोफेशनल जर्नल्स के अंदर, यहाँ पे आपके पास वाइडर चॉइस आती है बेटा, ठीक है। जब आपको चाहिए कि मुझे बहुत सारों में से चूज करना है बेस्ट ना, तो आप एडवर्टीजमेंट पे जा सकते हो। ये सीनियर पोजिशन के लिए होता है, मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजिशन एज वेल एज जो है हमारी एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। जो भी सीनियर पोजीशन है वो यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट है ना, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है और यहाँ पे फिक्स है कि आपको रिस्पांस मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं जिसमें से आप बेस्ट को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ओ ओ ओ ये एनसीईआरटी को कहा हो गया, ये अपने आप नीचे काहे आ गई भाई, चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, जस्ट अ सेकेंड, हम अभी आपको वापस ले जाते हैं ऊपर। हाँ आ गया आ गया आ गया। अभी सही हो जाए तो बता देना। अभी क्लियर हो गया, ओके डन, चलो आगे बढ़े। देखो बेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ना गवर्नमेंट चलाती है। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस और ये जो हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, इनमें जो मेजर डिफरेंस है ना वो यही है कि एक तो प्राइवेट ओनर्स चलाते हैं और एक गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है दीज आर रन बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है, और ये अच्छी सर्विसेज भी देते हैं। जो भी लोग इसमें अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों आ जाते हैं, ठीक है, जो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ना उनके लिए ये मीडिएटर है, ठीक है, ये मीडिएटर है। उनके पास क्या होता है, देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ एज अ एम्प्लॉई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, अब मुझे वर्कर चाहिए, मैं डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कॉन्टेक्ट करूंगी कि भाई मुझे इतने लोग चाहिए और वो मुझे उतने के उतने लोग दे देंगे, बस खत्म, ठीक है। तो सिंपली डिमांड और सप्लाई को मैच करने का काम ना ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस करते हैं। देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हेल्प्स टू मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग द लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर्स दोनों के बीच का लिंक है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ठीक है। कि जिसको जॉब चाहिए वो होता है ना, वो शादी में वो मैरिज ब्यूरो वाली आंटी होती है ना, ठीक है, वो आंटी होती है ना मैरिज ब्यूरो वाली जो रिश्ते करवाती है कि अच्छे लड़के को अच्छी लड़की मिल जाए, ठीक है,
तो वो अच्छा लड़का सपोज यहाँ पे जॉब सीकर है और अच्छी लड़की सपोज यहाँ पे एम्प्लॉयर है, तो लड़के और लड़की को मैच के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मैच करवाना उस आंटी का काम होता है. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ऑल्सो दैट आंटी जो कि जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर से मिलवाने का काम करती है. ओके Is it okay now? अभी ठीक है क्या? हाँ आयुष, अभी अभी जरूर करवा देंगे, जरूर. थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन, मतलब तुम कितना सोचते हो मेरे लिए. हाँ चलो कंटिन्यू करें. ओके सो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स पे आ जाते हैं हम लोग. देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हमने अभी क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट के होते हैं. प्लेसमेंट एजेंसीज जो होती है ना बेटा, ये प्राइवेट एजेंसीज होती है जो प्रोफेशनल्स चलाते हैं. इनका भी काम वही मीडिएटर का ही है, वो वही शादी वाली आंटी का ही काम है इनका भी. लेकिन द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे हमारे पास है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं और प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट की होती है. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेसिकली मतलब अगर देखा जाए ना प्रैक्टिकली तो अनस्किल्ड लोगों का ज्यादा काम होता है, लेकिन हमारी प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कराती है, मैनेजर्स को अपॉइंट करवाती है,
जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं ना, उन लोगों को अपॉइंट कराती है। तो ये एजेंसी सर्विसेज देती है अपने एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, मतलब इनके क्लाइंट्स होते हैं एक तरह से। ये अपना बायोडाटा सबमिट कराओ, एक मिनिमम रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करते हैं ये लोग, वही सेम shaadi.com टाइप्स ना, दोनों पार्टी से फीस चार्ज कर लो और फिर मैच मेकिंग कर दो। तो यही आप लोगों को यहाँ पे ये लोग यही कर रहे हैं कि नेशन वाइड सर्विस है, डिमांड सप्लाई को मैच करने का काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल यहाँ पे बंदे अपॉइंट करने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, नेशन वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इसके अंदर जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं और टेक्निकल बंदों को ये यहाँ पे रिक्रूट करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, वो जो कॉलेजेस जो होते हैं ना बेटा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तुमने थ्री इडियट्स देखी है ना, उसमें वो राजू रस्तोगी को अपॉइंट करने के लिए वो कंपनी वाला सीन दिखाया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या हो रहा है पता है, कैंपस रिक्रूटमेंट में हम कॉलेजेस में जा रहे हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, और वहां जाके हम लोग एम्प्लॉयज को रिक्रूट करके आ रहे हैं। तो कॉलेजेस और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वहां से हम फ्रेश टैलेंट को बिल्कुल रिक्रूट करके आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रिक्रूटमेंट बोलते हैं, कैंपस। मतलब बेसिकली यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे हम लोग टाई अप करके और वहीं से एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैंने वहां पे वैकेंसी अराइज हुई, तो मैंने मेरे सपोज स्टूडेंट था कोई, ठीक है, मेरा कोई स्टूडेंट था, सपोज आयुष मेरा एक स्टूडेंट है, तो मैंने मेरे बॉस को बोला कि सर आपके पास अभी जो वैकेंसी है ना, ये इस वैकेंसी में मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, बॉस का तो टाइम सेव हो गया, बॉस का तो क्या यहाँ पे कॉस्ट भी सेव हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तो एम्प्लॉय मिल गया। तो एप्लीकेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं ना बेटा, वो लोग यहाँ पे हम लोगों को क्या, उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉय और बाय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मे प्रूव टू बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है बच्चा पार्टी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इज ठेकेदार, ठीक है। तुमने देखा होगा जैसे तुमको कभी कोई घर बनवाना है तो तुम या तो 100 एम्प्लॉय को रिक्रूट करो या फिर तुम एक ठेकेदार को अपॉइंट करो, वो अपने साथ 100 एम्प्लॉय लेके आएगा। ये अनस्किल्ड के लिए होता है बेटा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो अ मीडिएटर, ठीक है, ये भी क्या है, मीडिएटर ही है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक वो बंदा है जो कि एम्प्लॉय के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा, लेबरर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, और जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए वो शॉर्ट नोटिस पे आपको दे देगा। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वर्कर को ढूंढने डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को क्या कर देते हैं, मतलब बात कर लेते हैं कि भी तुम ले आना, और ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर जितने भी रिक्वायर्ड नंबर है वो ले आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चा, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। बहुत बार वैकेंसीज टेलीविजन पे भी निकाली जाती है, जैसे हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, वैसे ही हम टेलीविजन पे भी क्या कर रहे हैं, टेलीकास्टिंग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी है वो वहां से मिल जाएगी। ओके बच्चा पार्टी, चलो लास्ट हमारे पास है वेब पब्लिशिंग। ये आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, जैसे naukri.com है और भी बहुत सारी साइट्स है जहां पे वेब पब्लिशिंग के थ्रू काम हो रहा है। मतलब जब भी हम वैकेंसीज को फिल करने के लिए इंटरनेट का यूज करेंगे ना बेटा, उसको हम लोग वेब पब्लिशिंग बोलेंगे। आज के जमाने में ना यही चल रहा है, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, वहां से लोग अपॉइंट करने लग जाएंगे और वहीं लोग अप्लाई करने लग जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी, बस हो गया काम आपका। कॉस्ट भी कम लगी, ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा, कहीं एडवर्टाइज भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली जॉब सीकर्स आपको और पढ़े लिखे जॉब सीकर्स मिलेंगे, क्योंकि नेट पे एप्लीकेशन फिल करना अनस्किल्ड लोगों का काम तो है नहीं। तो वेब पब्लिशिंग इज ऑल्सो मेजर सोर्स। ये हमारे सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। ओके, अब एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स देख लेते हैं हम लोग थोड़े से। ओके, तो मेरिट्स के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, जो इंटरनल के डीमेरिट थे ना वो यहाँ मेरिट आ गए। क्वालिफाइड बंदा मिलेगा आपको,
आपके पास ज्यादा चॉइस होगी, आपको घिसे पिटे एम्प्लॉय से काम चलाने की जरूरत नहीं है, 100 में से 2 चूज करो आप आराम से, फ्रेश टैलेंट मिलेगा आपको, नया टैलेंट, ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा क्योंकि न्यू एम्प्लॉय आएगा तो थोड़ी सी रेस बढ़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा किक आएगा, है ना, किक मिलेगा, और उसके अंदर लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये बेनिफिट ही है ना। अगर मैं डीमेरिट की बात कर रही हूं तो व्हाट आर दी लिमिटेशंस बच्चा पार्टी, पहला लिमिटेशन डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है ना उसमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है कि यार मुझे नहीं प्रमोट कर सकते थे, बाहर से एम्प्लॉय लेके आए आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेंथी प्रोसेस, भाई बहुत लंबा प्रोसीजर है, सोचो इतने लोगों में से चूज करना, सेलेक्ट करना, बहुत बहुत लेंथी प्रोसेस है और कॉस्टली भी है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को बहुत कॉस्टली पड़ता है ये वाला प्रोसीजर, ठीक है बच्चे पार्टी। तो ये हमारा क्या हो गया है, एक्सटर्नल सोर्सेज यहाँ हमारा हो चुका है कंप्लीट, ओके। अब जल्दी से मुझे एक बार बता दो कि किस किस को समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉरी भाई मैं किसी को नहीं भूली हूँ, तुमको ऐसा काहे लग रहा है कि हम तुमको भूल गए, भाई हम किसी को भी नहीं भूले हैं बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़े, चलो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर टॉपिक आया है वो आया है सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो रिक्रूटमेंट में दीपिका नाम की एक कंपनी है, दीपिका लिमिटेड, उस दीपिका लिमिटेड में 5 लोगों की जरूरत थी, पर हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे थे, 150 उठ के आ गए, ठीक है। अब 150 में से मुझे 5 को सेलेक्ट करना है ना, तो सिलेक्शन का मीनिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब, ठीक है। अब हमको सेलेक्ट करना है 150 में से 5 कैंडिडेट, तो यार मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। Yes, we are back. चलो 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 स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, तो सिलेक्शन का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बोला 150 लोग आए, पर 150 में से 5 को सेलेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे एक प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी बच्चा पार्टी, मैं करूंगी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, अब मुझे MBA बंदा चाहिए था, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था बेटा, MBA बंदा चाहिए था। मैं क्या करूंगी, पहले सारी एप्लीकेशंस देखूंगी, जो MBA नहीं है मैं उसको पहले से ही हटा दूंगी, ठीक है, जो बंदा MBA नहीं है मैं उसको पहले से ही हटा दूंगी। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि मैं पहले से ही थोड़ी सी छटनी कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ना एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आधे तो मैंने पहले ही हटा दिए, अब 150 में से सपोज मैंने 80 लोग हटा दिए यहाँ पे, अब मेरे पास 70 बचे। अब इन 70 का मैं क्या करवाऊंगी बच्चा पार्टी, इन 70 का मैं सिलेक्शन टेस्ट करवाऊंगी। सिलेक्शन टेस्ट बहुत सारे तरीके के होते हैं और आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो सिलेक्शन टेस्ट में एक ये ना एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैं एम्प्लॉय का ओवरऑल सब कुछ देख रही हूँ, उसका इंटेलिजेंस लेवल देख रही हूँ। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट कराऊंगी, इसमें मैं उसका IQ चेक करूंगी कि उसका नॉलेज क्या है, उसका IQ क्या है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है। तो बेसिकली ये चेक करना, ठीक है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करना, ये सब चीजें चेक करना आपका इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आएगा। फिर आप एप्टीट्यूड टेस्ट लोगे उसका। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि एक बंदा न्यू चीजों को कितना जल्दी सीखता है, ठीक है, पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स आप देखोगे उसकी, दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद अब ये नीला डब्बा जो है ना, NCERT में बहुत सारे हरे काले पीले नीले डब्बे हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ने, सारे हरे काले पीले नीले डब्बे इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं खुद बता दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। अब कोई बंदा होता है, देखो
मतलब फोन पे जब हमने बात करी तो बहुत ही एकदम मेनली वॉइस है उसकी और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और ऐसे लग रहा था, लेकिन जब सामने आया तो बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस है, तुमने देखी बहुत सारी मूवीज में, चिल्लर पार्टी में भी ऐसा एक सीन था। इसके अलावा वो कौन था ना, वो एक और मूवी थी, क्या नाम था उस मूवी का, मैं भूल गई, वो फोन वाली, कॉलर वाली, कॉलर वाली कुछ तो भी मतलब नाम था उसका, क्या नाम था यार, आयुष्मान की मूवी थी कोई, कुछ तो भी नाम था यार। ठीक है, तो वो मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ, ऐसा अजीब सा ही था वो सिस्टम। तो पर्सनालिटी टेस्ट बेसिकली आपका मेच्योरिटी लेवल, आपका वैल्यू सिस्टम, ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी कैसी है उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट में आता है। ट्रेड टेस्ट, आपको जॉब से रिलेटेड कितना नॉलेज है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी उस एरिया में जिसमें आपसे काम करवाया जा रहा है उसको हम लोग ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्ट टेस्ट, आपका उस जॉब के अलावा किन किन चीजों में, हाँ ड्रीम गर्ल मूवी थी, ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि आपका किन चीजों में इंटरेस्ट है, आपका पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हो सकता है कि मेरे को डांसिंग सिंगिंग ये सब पसंद हो, तो इंटरेस्ट टेस्ट भी आप लोगों का यहाँ पे देखा जाता है। जब इंटरेस्ट टेस्ट पता लग गया, अब नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट आता है वो आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब 70 में से जब मैंने टेस्ट कंडक्ट कराए तो 20 लोग सेलेक्ट हुए, ठीक है, 70 में से, मैं 150 में से 70 पे आई, 70 में से 20 आई, 20 लोग मेरे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर आ गए। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर क्या होगा समझना, ठीक है, हाँ 20 लोग मेरे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर आ गए। अब इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, ठीक है, बैठ के पैनल इंटरव्यू हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा, कि कौन कौन है, क्या क्या है, क्या क्या रोल परफॉर्म करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे डिसाइड की जा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, राइट, तो उसके बाद हम रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आपने जो पहले वाला एम्प्लॉयर है उसके क्या ओपिनियन है, उससे हम बात करेंगे कि भाई ये आपके यहाँ पे काम करता था, कैसा था बंदा, सही था या नहीं था, इसने क्या क्या गलत किया, क्या क्या अच्छा किया, वहां से क्यों छोड़ के आ रहा है, ऐसा तो नहीं वहां पे कुछ कांड कर दिया बड़ा, ठीक है, और वहां से छोड़ के आ रहा हो, तो क्या रीजन है छोड़ के आने का। ठीक है, फिर है सिलेक्शन डिसीजन। जब सब चीजें स्मूथ चल रही है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, सिलेक्शन डिसीजन लेंगे। फाइनली हम हमारा डिसीजन लेंगे कि हाँ हमको इस बंदे को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अनफिट होता है, आपने सेलेक्ट कर लिया लेकिन वो आपकी जॉब के लिए अनफिट है, तो उस केस, अच्छा मेडिकल एग्जामिनेशन का मैं आपको बता दूं हर जगह नहीं होता, किसी किसी प्लेस पे होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन हर जगह नहीं होता है। ओके, जब सब क्लियर हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन भी सही आ गया, तो आप उसको क्या करोगे, जॉब ऑफर करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप अब उसके हाथ में, एम्प्लॉय एक्सेप्ट भी तो करे बेटा। मैं तो मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा कहीं पे सिलेक्शन हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर उन्होंने बोला कि हम आपको अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाहते हैं, और मैंने बोला नहीं, मैं तो टाइम पास के लिए इंटरव्यू दिया था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। होता है, बहुत बार होता है ऐसा। तो यहाँ पे जॉब ऑफर मतलब आप सामने वाले बंदे को ऑफर कर रहे हो कि भाई ये हमारी जॉब है, आप इसको एक्सेप्ट करो और फिर हम आगे का प्रोसीजर करें। तो अब उसके हाथ में, अब एप्लीकेंट के हाथ में है कि भाई अब क्या करना है, उसको जॉब एक्सेप्ट करनी है या नहीं। ठीक है, आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर दोगे, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आप क्या करोगे बेटा, तब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसके अंदर सब डिटेल्स लिखी जाती है। ठीक है, इसके अंदर सब, कि आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते, कैसे तो क्या, कहाँ रहते हो, आपका आधार नंबर क्या है, ये वो एग्जैक्ट, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी वाइटल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी। आपकी क्या ड्यूटीज होंगी, आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, आप कितने टाइम के लिए टेम्पररी, फिर उसके बाद परमानेंट, सब चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। डन, ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारे पास जो टॉपिक है, इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं, वन इज ट्रेनिंग एंड अनदर इज डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मतलब होता है आप एम्प्लॉय को जॉब से स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक अगर आप उसको चीजें सिखा रहे हो तो वो आपकी ट्रेनिंग है, लेकिन आप उसको अगर करियर ओरिएंटेड अगर चीजें सिखा रहे हो तो दैट इज डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग बेसिकली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है, उसकी लर्निंग प्रोसेस को इंक्रीज करने में, उसका नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा।
अगर आप एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बेनिफिट उसी को ही है, बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी है और बेनिफिट एम्प्लॉय को भी है, ठीक है। देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होगा, आपका वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको काम सिखा रहे हैं ना हम लोग। फ्यूचर मैनेजर हमारे पास आ जाएंगे निकल के, एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट में। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है, उसकी खुद की स्किल्स इंप्रूव होगी, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ठीक है। उसके बाद वो इजीली एफिशिएंटली मशीन्स वगैरह को हैंडल कर सकता है, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे और सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। अब एक चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे मेथड थे लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ तीन ही मेथड आपको ध्यान रखने हैं। वन इज अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड का मतलब एक मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक मेथड है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप में एक स्किल्ड मास्टर वर्कर होता है और उस मास्टर वर्कर के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेनी को अपॉइंट करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एक ट्रेनिंग को मास्टर वर्कर के साथ रखा जाता है, वो हायर लेवल स्किल्स एक्वायर करता जाता है साथ साथ, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे प्लम्बर्स आयरन वर्कर्स उनके साथ जो छोटू आते हैं ना, ये उनके लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद कोचिंग आपको नहीं पढ़ना है, इंटर्नशिप आपको पढ़ना है, ठीक है। इंटर्नशिप क्या होता है बच्चा पार्टी, देखो यहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक इंस्टीट्यूट मतलब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट होता है और एक हमारा क्या होता है, एक हमारा फर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म साथ में कोऑपरेट करते हैं और दोनों मिलके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चा बाटी। और एक आपका है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा, ठीक है। ये तीन ही आप लोगों को पढ़ने से, एक हमारा ये रहा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीन्स जो एक्सपेंसिव होती है वहां पे डायरेक्टली नहीं सिखाया जा सकता, तो हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को जो हम काम सिखा रहे हैं ना, वो एक मॉडल के थ्रू सिखा रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर होता है, इसीलिए इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। आप एक क्लासरूम टाइप एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो सेम मटेरियल वगैरह के साथ और एम्प्लॉय को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज बेसिकली मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग की जाती है, जो मेजर मशीन है वैसा एनवायरमेंट क्रिएट करके, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे नहीं सिखाया जाता, इसीलिए क्लासरूम एनवायरमेंट क्रिएट करके वहां सिखाया जाता है, ठीक है। ओके बच्चा बाटी, तो ये हम लोगों का यहाँ पे स्टाफिंग चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और इसी क्लास में हम डायरेक्टिंग चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग मुझे 5 मिनट का ब्रेक दो, आपके लिए तो लैग आएगा और उसके बाद हम लोग वापस से मिलते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल में मैसेज डाल दूंगी व्हेन एवर आई एम कमिंग बैक, ओके। तो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और सबके साथ ले ओके। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टिंग चैप्टर नाउ, वी हैव कंप्लीटेड आर विच चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड आर स्टाफिंग चैप्टर। तो अब हम लोग करते हैं क्या, डायरेक्टिंग चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जाके आप लोग सबके साथ लिंक शेयर करके आ जाओ, ठीक है। ओके चलिए, तो हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। डायरेक्टिंग चैप्टर हमारा यहाँ पे टर्म टू का सेकंड चैप्टर जो है, इसके अंदर आपको बेसिकली 4 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करके पढ़ना है। वन इज सुपरविजन, देन मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो इस डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर आपको ये 4 स्टेप्स जो है या 4 जो एस्पेक्ट्स बोल सकते हो, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स बोल सकते हो, ये एलिमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके अंदर बेसिकली जो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग है वो आपका डिलीटेड है, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स है वो आपका यहाँ पे डिलीट हो चुका है टॉपिक। तो आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ है वो टॉपिक और वहां से आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर। बेसिकली सबसे पहले मीनिंग, वॉट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, लोगों को गाइड करना कि उनको काम कैसे करना है।
तो डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल टू डूइंग वर्क, कि कैसे काम करना है, ये हम जब लोगों को सिखाते हैं तो उसको हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। एक और डिटेल डेफिनेशन है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब जब हम उनको गाइड कर रहे हैं, जब हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं कि उनको कैसे काम करना है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग बोलते हैं। ओके बच्चे बाटी, अब आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि क्या है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बेटा डायरेक्टिंग वो स्टेप है जिसके बाद हमारा एक्शन इनिशिएट होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीजों से आप क्या कर रहे हो, चीजें अरेंज कर रहे हो। डायरेक्टिंग वो स्टेप है जहां से हमारा एक्शन इनिशिएट होना स्टार्ट होता है, मतलब जहां से एग्जैक्टली काम स्टार्ट होता है वो हमारा डायरेक्टिंग है। सेकेंड पॉइंट देखो, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग जो है वो हर लेवल पे होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल पे होगा या सिर्फ मिडिल लेवल पे होगा। इंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन तो हर लेवल पे होता है ना, तो डायरेक्टिंग वो स्टेप है जो हर लेवल पे होगा, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो लोअर हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो चलता ही रहता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है जब तक आपका डायरेक्टिंग चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कौन सी मैनेजेरियल पोजीशन पे आप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टिंग इज बेसिकली प्रेजेंट एवरीवेयर एंड डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक डायरेक्टिंग चलेगा ही चलेगा। और सिंपली तुम खुद सोचो, डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन आता है, लीडरशिप आता है, मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो जहां पर भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन है वहां पर डायरेक्टिंग होगा ही होगा। तो जहां पर भी टॉप और बॉटम है वहां पे डायरेक्टिंग होना ही होना है। तो डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम पे आता है। मोटिवेट ऊपर वाला बंदा नीचे वाले को कर रहा है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला बंदा ऊपर वाले को मोटिवेट कर रहा है, यस सर यू कैन डू इट, सर आप कर सकते हो, हम आपको इंसेंटिव देंगे, नो। ठीक है, हमेशा डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम ही होता है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के अंदर। इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देखो डायरेक्टिंग की क्या है, इनिशिएट एक्शन। देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रखा है बच्चा पार्टी, डायरेक्टिंग से आपका एक्शन इनिशिएट होता है। ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हो। सेकंड पॉइंट, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट्स। हर एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन डायरेक्टिंग से वो एक साथ काम करेंगे। डायरेक्टिंग की मदद से हर इंडिविजुअल के जो एफर्ट है वो साथ में एक साथ कंट्रीब्यूट होके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे है, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉय टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल। डायरेक्टिंग में हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोगों को लीड कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज करने में, वो अच्छा अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है, कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करना है तो आप डायरेक्टिंग की मदद से इजीली कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टिंग लोगों को मोटिवेट करता है तो ऑटोमेटिकली उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो डायरेक्टिंग से हम चेंजेस को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं ना कि नहीं हमको चेंजेस नहीं चाहिए और नहीं करना है, तो उनको लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो कि दिस चेंज इज गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। राइट बच्चा पार्टी, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है ये रहा, फिफ्थ पॉइंट है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि डायरेक्टिंग में हम मोटिवेट करते हैं लोगों को तो एक कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट आता है। उस कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनाए रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टिंग एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सुख शांति का माहौल रहता है। ओके, सो दीज आर दी फाइव स्टेप्स या फाइव इंपॉर्टेंस बोल सकते हो तुम लोग डायरेक्टिंग की। आप प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आप बिल्कुल कट कर दो अपनी एनसीईआरटी से, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग आपका कोर्स से डिलीट हो चुका है। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट्स हैं। पहला इज सुपरविजन, दूसरा आपका है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। तो देर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स बच्चा पार्टी, देर आर फोर एलिमेंट्स। ये चैप्टर इन्हीं फोर एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला एलिमेंट इज सुपरविजन। सुपरविजन सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, इसके अलावा कोर्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम सुपरविजन के जो फंक्शंस होते हैं सुपरवाइजर के, उसके थ्रू हम सुपरविजन का मीनिंग बना सकते हैं।
बेसिकली सुपर विजन, सुपर ऊपर से विजन देखना। तो जब हम ऊपर से देखते हैं कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, जब टॉप लेवल देखता है कि लोअर लेवल क्या कर रहा है, तो उसको सुपरविजन बोला जाता है। द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज, एक तो क्या है एज अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, और एक एज अ फंक्शन जो कि सुपरवाइजर परफॉर्म करता है। सुपरविजन अगर डायरेक्टिंग के एलिमेंट की फॉर्म में देखें, तो हर मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को ऑब्जर्व करता है, देखता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो पहला जो सुपरविजन का डेफिनेशन है ना, वो इसी के बेसिस पे आया है कि एवरी मैनेजर सुपरवाइज हिज सबॉर्डिनेट। सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट, कि एम्प्लॉई कैसे काम कर रहा है उसको गाइड करना हमारा क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है। ओके इतना क्लियर हुआ बच्चा बाटी? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि फर्स्ट मीनिंग क्लियर हुआ कि सुपरविजन का मीनिंग क्या है। दूसरा सुपरविजन का मीनिंग बोलता है कि सुपरविजन जो काम करता है, ठीक है, सुपरवाइजर जो काम करता है उसके बेसिस पे हम सेकंड वाला मीनिंग बता सकते हैं। देखो मैंने ये ब्लू हाईलाइट कर रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो सुपरवाइजर, मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ एक सेकेंड। आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड एज द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द सुपरवाइजर। अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सुपरवाइजर? सबसे पहला हेल्दी रिलेशन मेंटेन करता है, लिंक होता है, ये वाला आप डिटेल में डू नॉट स्टडी इन डिटेल, मैं यहां लिख देती हूँ डू नॉट स्टडी इन डिटेल, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है क्योंकि इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। सिंपली सुपरवाइजर क्या क्या काम करता है, एक्ट एज अ लिंक, यूनिटी मेंटेन करता है, लीड करता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करता है, अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, उनको मोटिवेट करता है, क्वालिटी चेक करता है। बस इसको ना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से पॉइंट देखने। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट वाला क्या है, मोटिवेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चा, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंड्यूस करना कि आप हमारे अकॉर्डिंग काम करो, मतलब लोगों की नीड पे हिट करना कि उसकी जो भी अनसेटिस्फाइड नीड है ना उसको हिट करके मैं उससे काम निकलवा लूं अपना, ताकि वो मेरे अकॉर्डिंग काम करने लग जाए मेरे डिजायर्ड मैनर में। देखो मोटिवेशन का मीनिंग आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, उनको इतना मोल्ड करना कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करने लग जाए। देखो मोटिव होता है, ओके सो फाइनली 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 वी आर लाइव, ठीक है, तो एक बार आप लोग सबको बुला के आ जाओ। आई हैव चेंज्ड, अभी ठीक है क्या, एक बार बता दो।
ओके आई होप नाउ इट इज फाइन. ठीक है, आई होप कि अब ये चल गया है और ये चल रहा है. आई रियली वॉन्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर यार. कंट्रोलिंग का तो वी आर गोइंग टू हैव एन अनादर सेशन ना, बट दिस चैप्टर आई वॉन्ट टू कंप्लीट. अभी आ रही आवाज? ओके तो मोटिव अगर हम बात कर रहे थे तो बेटा मोटिव इज द टारगेट. ठीक है, मतलब मुझे जिस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, मुझे जिस गोल तक पहुंचना है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटिव. तो मोटिव इज बेसिकली द टारगेट विच वी वॉन्ट टू अचीव. ओके, मोटिवेशन वो पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू हम उस टारगेट को अचीव करने वाले हैं, दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज मोटिवेशन. ठीक है, उसके बाद अगर मैं मोटिवेटर्स की बात करूं तो मोटिवेटर्स मतलब एक तरह से वो सारी टेक्निक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपको बोला कि अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको आईफोन दिला के देंगे, तो आईफोन इज मोटिवेटर, टारगेट इज बोर्ड्स के अच्छे मार्क्स, और ये पूरा प्रोसेस इज मोटिवेशन. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा मोटिवेशन का. तो मोटिवेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग पूरा अच्छी तरह से सारी चीजें मोटिवेटर मोटिवेशन को मिला के चलते हैं. ओके, फीचर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला फीचर है कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है. जब तक मेरे में अंदर से नहीं आएगा ना कि मुझे ये काम करना है, तब तक मैं वो काम नहीं करूंगी. राइट, तो मोटिवेशन ये बाहर से नहीं है बेटा, ये अंदर से आएगा. ठीक है, मुझे अच्छा मुझे पढ़ना है तो मुझे अंदर से वो फीलिंग लानी पड़ेगी. मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. अगर मुझे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए मोटिवेशन आपकी हेल्प कर सकता है, बिकॉज मोटिवेशन इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट, अचीव योर गोल. ओके, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, कभी कभी मम्मी की चप्पल भी मोटिवेट करती है ना, कि अगर नहीं काम किया तो चप्पल पड़ेगी, तो दैट इज ऑल्सो मोटिवेटर. और मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोला जाता है. कॉम्प्लेक्स इसीलिए क्योंकि हर बंदे की नीड्स अलग है, हर बंदा अलग तरीके से काम करता है, तो इसीलिए मोटिवेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि हर पर्सन की नीड अलग है और हर पर्सन अलग तरीके से मोटिवेट होता है. दैट इज वाई मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, मोटिवेशन प्रोसेस आपके पास नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी हाँ, कोई भी अनसेटिस्फाइड नीड होती है ना, वो एक टेंशन अरोज करती है आपके अंदर. टेंशन से ड्राइव, ड्राइव से हमारा बिहेवियर चेंज होगा, फिर हमारी नीड सेटिस्फाइड होगी, एंड देन हमारी टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की यहाँ बात करूं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या है, मोटिवेशन से ना लोगों की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि आपके अंदर की जो फीलिंग है ना, वो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाएगी. जब आपको कोई मोटिवेट करता है ना, तो हम और एनर्जी के साथ काम करते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई चेंज लेके आना है, ठीक है, अगर आपको एक बंदे को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, देन मोटिवेशन इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. तो मोटिवेशन आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करने में भी आपकी बहुत हेल्प करता है. मोटिवेशन आपका टर्नओवर रिड्यूस करने में, मतलब एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा. तो हमेशा मोटिवेटेड बंदा जो होगा ना, वो हमेशा अच्छे से काम करेगा और एम्प्लॉय बार बार छोड़ के नहीं जाएगा. तो मोटिवेशन जो होता है, वो एम्प्लॉय के टर्नओवर को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ना, क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ इंपॉर्टेंस दे रखी है कि एक मोटिवेटेड पर्सन एब्सेंट भी नहीं होगा काम से. तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी जॉब से सेटिस्फाइड हो तो तुम वहां से छुट्टी क्यों लोगे. इफ आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई जॉब, तो मैं छुट्टी लेने की इच्छा नहीं होगी ना मेरी. ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जो एम्प्लॉय का रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मोटिवेटेड पर्सन हमेशा अच्छे से काम करने की कोशिश करेगा और उससे रेजिस्टेंस नहीं आएगा आपको कभी भी. मतलब कोई भी चेंज होगा तो यस, चलो इम्प्लीमेंट कर देते हैं. मोटिवेटेड वाला बंदा हमेशा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा. ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपके सामने, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी. ठीक है, पूरी मोटिवेशन के अंदर ये थ्योरी जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिंपल सी बात है. क्या है सिंपल सी बात, कि मोटिवेशन की जो थ्योरी है ना, जो हमारी अब्राहम मास्लो भाई साहब ने दी है, इस थ्योरी का एक ही बेस है. वो ये बोल रहे हैं कि एक बंदे की जो नीड्स होती है ना, उन नीड्स को हम फाइव हायरार्कियल ऑर्डर में, फाइव नीड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं.
और हर बंदा अपनी अनसैटिस्फाइड नीड से मोटिवेट होता है। तो अब्राहम मास्लो जो एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात बोली कि हर पर्सन अपनी अनसैटिस्फाइड नीड से मोटिवेट होता है और अनसैटिस्फाइड नीड उसको हिट करती है काम करने के लिए। अगर आप उसके अनसैटिस्फाइड नीड को फुलफिल करने का लालच उसको देते हो तो वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। बेसिकली 5 नीड जो उन्होंने बताई है वो कौन कौन सी है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीजें, हंगर, ठीक है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, ये सारी चीजें आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है। जब ये नीड्स फुलफिल हो जाएंगी तो वो सेकेंड वाली नीड्स पे आएगा। सेकेंड वाली नीड्स आपकी है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स का मतलब होता है कि मुझे जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे फिजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। तो बेसिकली सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसकी सेकेंड नीड होती है। जब उसकी ये वाली नीड भी फुलफिल हो गई तो फिर वो अब आगे बढ़ता है। अब उसको चाहिए फ्रेंड्स, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। जब उसके आगे की दो नीड्स फुलफिल हो गई तो वो फ्रेंड्स बनाने की सोचता है, तो वो बिलोंगिंगनेस नीड्स के बारे में सोचता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशंस, रिकॉग्निशन, स्टेटस। ये हमारी स्टेटस वाली नीड्स है कि अब मुझे लेवल हाई करना है, लोग मुझे इज्जत, मेरी भी कोई इज्जत होनी चाहिए ना मार्केट में, तो यहाँ पे एस्टीम नीड्स की बात हो रही है। फिर हमारे पास आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इस हायरार्की का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। इसका मतलब मैं जितना केपेबल हूं ना, मैं उस हाईएस्ट लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ, मैं जिस हाईएस्ट पीक पे पहुंचना चाहती हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, मैं उसको यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, की मेरा जो गोल है, मेरा जो अचीवमेंट जो मुझे करना है, मैं वहां अगर पहुंच जाती हूँ तो उसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। सो देयर आर 5 नीड्स। कौन कौन सी 5 नीड है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है ना बच्चा, अब यहाँ पे आपको कुछ अजम्पशंस दे रखे हैं। मास्लो ने जब ये नीड हायरार्की थियरी दी तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए हैं। वो अजम्पशंस क्या है? वो अजम्पशन ये है कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। एक पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। उसकी नीड अनसेटिस्फाइड है तो वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए पहले सोचेगा। और हमेशा मास्लो ने ये भी बोला कि हमेशा जो नीड्स है वो इसी हायरार्कियल ऑर्डर में चलेगी। एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो वो बार बार आप उससे उस बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं और आप उसको बोल रहे हो कि तेरी सोशल नीड सेटिस्फाई करते, तो भाई सेटिस्फाइड है वो सोशल नीड से, वो सोशल नीड्स अब उसको और मोटिवेट नहीं कर सकती। एक पर्सन नेक्स्ट हायर पे तभी मूव ऑन करेगा जब उसकी नीचे वाली नीड्स फुलफिल होगी। अगर नीचे वाली नीड ही फुलफिल नहीं होगी तो वो नेक्स्ट वाली हायर वाली पे जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब एक तरह से लालच, ठीक है। एक पर्सन को आप क्या अट्रैक्टिवनेस दे रहे हो जिसके थ्रू वो काम करे। फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड है, कंटेक्स्ट ऑफ मनी आएगा, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल ऑब्वियसली बात है, नाम से पता पड़ रहा है कि पैसा नहीं लेकिन हाँ इंसेंटिव तो है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव वही जो डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट है आप एक पर्सन को दे रहे हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल बोलेंगे। पहला पे एंड अलाउंसेस, सैलरी, बोनस, डीएनएस अलाउंसेस, बेसिक पे, ये सारी चीजें उसको मोटिवेट करती है। सेकेंड है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। बोनस, बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब वो इंसेंटिव जो एक पर्सन को आप दे रहे हो, ठीक है, अबव वेजेस, वेजेस के अलावा अगर आप उसको कुछ पैसा दे रहे हो तो वो बोनस है। प्रॉफिट शेयरिंग, आपने एम्प्लॉय को बोला कि हम प्रॉफिट जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ पार्ट आपको दिया जाएगा, मोटिवेशन, इंसेंटिव, काम करेगा वो आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? को पार्टनरशिप। इसकी केस स्टडीज मैक्सिमम आती है। इसमें क्या है, ईसॉप भी बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसके अंदर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्टॉक में हिस्सा देता है, मतलब शेयर्स का पार्ट देता है। वो बोलता है कि हमारी कैपिटल में जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उसमें से कुछ तेरे को कंसेशनल रेट पे दे देते हैं, मार्केट में 100 बिक रहा है तो हम तुमको 80 या 70 में दे देते हैं। एम्प्लॉय मेंबर भी बन जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय मेंबर भी बन जाएगा और कम प्राइस में शेयर्स भी मिल रहे हैं उसको मार्केट से कम, तो एक ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, प्रोविडेंट फंड हो गए, ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आप उनको दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो एक तरह से इंसेंटिव है उनके लिए, वो काम करेंगे आपके लिए। परकिसिट्स, परकिसिट्स मतलब जो पैसा तो नहीं है लेकिन पैसे से कम भी नहीं है, ठीक है, जैसे कार अलाउंसेस दे दिया आपने, हाउसिंग, मेडिकल एड, फ्री एजुकेशन दे दिया आपने, पैसा ही है ना एक तरह से, फ्रिंज बेनिफिट्स है ये, अदर बेनिफिट्स है, ठीक है, सैलरी के अलावा मिल रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो मिलते हैं बेचारे, प्राइवेट वालों की कंडीशन यहाँ खराब है थोड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल आपका मनी नहीं है लेकिन आपकी सोशल, आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए नॉन फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें पहला है आपका स्टेटस। एक बंदा पैसे से ना भी मोटिवेट हो लेकिन अगर उसको पार मिलेगा ना, उसका स्टेटस बढ़ेगा तो वो जरूर मोटिवेट होगा। उसको रिकॉग्निशन मिल गया कि आप एम्प्लॉय अब हायर लेवल पे चला गया तो स्टेटस इज नो डाउट अ मोटिवेटर। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, देखो कहीं 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 ऐसा होता है पैसा बहुत है लेकिन क्लाइमेट अच्छा नहीं है, बॉस बहुत पोक करता है, मतलब पोक इन द सेंस हर चीज में टांग अड़ाता है, वहां एम्प्लॉय सेटिस्फैक्ट्रीली काम नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशनल का क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से अलग है क्योंकि आप एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटीज देते हो, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको हेल्प करता है दूसरों से अलग दिखने में, ठीक है, अगर पॉजिटिव रहा तो आप एम्प्लॉय को रिटेन कर सकते हो। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉय के करियर के बारे में सोचती है, उनको आगे ग्रो करने के बारे में सोचती है, नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय को रिटेन करने में हेल्प करती है, उनको हायर पोस्ट के लिए ट्रेन करने में हेल्प करती है। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है आप अपनी जॉब को ऐसे डिजाइन करो, ठीक है, जॉब एनरिचमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है कि आप अपनी जॉब को ऐसे डिजाइन करो कि उसके अंदर नॉलेज बढ़े, उसके अंदर काम करने में उसको मजा आए। जॉब एनरिचमेंट, एग्जिस्टिंग जॉब को एनरिच कर लो, ठीक है, गार्निशिंग कर लो उसकी, उसको वैरायटी दो, उसको डिजाइन ही ऐसा करो कि उसको काम करने में मजा आए, ठीक है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, आपको अवार्ड सेरेमनी वगैरह देखा होगा आपने कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये मोटिवेशन है एक तरह से, उसको क्या कर रहे हो आप, मोटिवेशन मोटिवेट कर रहे हो अच्छा काम करने के लिए। जॉब सिक्योरिटी, अगर एम्प्लॉय के मन में आप ये फीलिंग क्रिएट कर दो कि भाई तेरे को नहीं निकालेंगे, तो हमारे साथ ही रहेगा, तो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो फीलिंग जो आती है ना बेटा, वो भी एक तरह से मोटिवेशन का और इंसेंटिव का ही काम कर रही है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग में कि यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम तुमसे पूछेंगे कि हम क्या डिसीजन ले, हम तुम्हारा भी ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो आप उनको जब पार्टिसिपेट करने का मौका दोगे ना बच्चा, तो वो जरूर अच्छी तरह से काम करेंगे। और लास्ट आपका है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब उनको पार्ट्स देना कि तुम्हारे पास ये पार्ट्स है, तुम डिसीजन लो, अथॉरिटी दे देना, ये भी एक तरह का क्या है, इंसेंटिव है। अब मैंने आपको बताया था चार एलिमेंट है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। टू वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ वी हैव लीडरशिप। लीडरशिप में एक ही टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, लीडरशिप में सिर्फ आपको स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। लीडरशिप इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल, ठीक है, और इसके अंदर ना आप उन लोगों के अंदर ये फीलिंग क्रिएट कर रहे हो कि वो वॉलेंटरली अपने आप काम करने लग जाए। लीडर ना खुद भी करता है काम, ठीक है, लीडरशिप और मोटिवेशन में यही डिफरेंस है। मोटिवेशन में ना मोटिवेटर खुद नहीं कर रहा, वो लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर रहा है, लीडरशिप में लीडर खुद भी काम कर रहा है। सो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट, अच्छी तरह से काम करने के लिए, ठीक है। फीचर्स ऑफ लीडरशिप देखिए तो एक तरह से इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है, चेंजेस लाने में हेल्प करता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कॉमन गोल अचीव कराता है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप आपको नहीं देखना है, आप डायरेक्टली इधर जंप कर सकते हो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पे, ठीक है, मैं ये हटा दूंगी इधर से। यस, नेक्स्ट आपके पास बेटा है लीडरशिप स्टाइल। देखो देयर आर थ्री लीडरशिप स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी केस स्टडीज एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो आप लोगों को प्लीज यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करो,
ठीक है, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी स्फीयर. ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होती है, लेट मी टेल यू. ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब होता है आप सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सबॉर्डिनेट से कि आपको आंखें बंद करके वो फॉलो करें. इसमें एम्प्लॉयर ये समझता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता, दिस इज वन वे. ठीक है, सिर्फ वो एज अ लीडर, एज अ बॉस बन के आपको क्या करेगा, ऑर्डर्स देगा. ठीक है, यहाँ पे लीडर ना डॉगमैटिक है. डॉगमैटिक का मतलब चेंज नहीं होना चाहता, कुत्ते की दुम है जो चेंज नहीं, मुड़ती नहीं है ना, तो वही हमारा डॉगमैटिक यहाँ पे बोला जाता है उसको कि भाई नहीं चेंज होना चाहता वो. ठीक है, ही डज नॉट विश टू चेंज. ठीक है, और उसको नहीं पसंद कि कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे. वो आपको रिवॉर्ड देगा, आपको पनिशमेंट देगा, लेकिन वो काम तो करवा के रहेगा आपसे. ठीक है, यहाँ पे डिसीजन क्विक होते हैं, पूछना ही नहीं किसी से, सब काम खुद ही करना है ना उसको, सब काम खुद ही करना है उसको, किसी से कुछ पूछना ही नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर. डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है बेटा, डेमोक्रेटिक लीडर का मतलब वो लीडर जो आपसे पूछेगा, जो एक्शन प्लान बनाने से पहले कंसल्ट करेगा एम्प्लॉय से, सबॉर्डिनेट से कि तुम क्या चाहते हो. वो दूसरों को रिस्पेक्ट देगा, वो सबॉर्डिनेट के जो डिसीजन है उनको सपोर्ट करेगा, उसको हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं. ठीक है, इसके अंदर वो जो भी काम करना चाहेगा ना, जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करना चाहेगा वो लोगों से पूछ के करेगा. और लास्ट हमारा जो है ना, दैट इज लेजी स्फीयर. लेजी स्फीयर का मतलब क्या होता है बेटा, लेजी स्फीयर का मतलब होता है कि यहाँ पे बॉस तो बैठेगा बिल्कुल शांति से, मेरा कोई काम ही नहीं है, बॉस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, सब चीजें किस पे छोड़ दी जाती है, एम्प्लॉय. तो यहाँ पे लीडर का क्या मानना होता है, वो अपना पावर यूज ही नहीं करते हैं. ठीक है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी वो यूज करेगी, अदरवाइज उन्होंने हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलोअर्स को दे रखी है कि तुमको जो चाहिए करो, तुमको जैसे चाहिए करो, हम तुमको नहीं रोकेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है, जो हमारे डायरेक्टिंग के चार एलिमेंट में से लास्ट एलिमेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तुम खुद सोचो, बिना कम्युनिकेशन के क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती. आप आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस, मैसेजेस एक्सचेंज नहीं करोगे तो आप काम कैसे करोगे. तो बेसिकली कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करी तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैं अभी आपको यहाँ बताने वाली हूँ. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको क्लियर पता पड़ रहा है कि बिना कम्युनिकेशन के आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते. अगर आप स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए. कोऑपरेशन, इफेक्टिव लीडरशिप, इन सब के लिए देखो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बुक से लर्न करने की जरूरत नहीं है. दिस इज सो कॉमन कि आप खुद भी लिख सकते हो कि व्हाई यू कम्युनिकेट. ठीक है, आप क्यों कम्युनिकेट करते हो, ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चला सको, आप डिसीजन ले सको, आप मोटिवेट कर सको, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके. ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है. दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं बच्चे पार्टी, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन जो कि लाइंस ऑफ अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको फॉलो करके किया जाता है. इनफॉर्मल जो आउट ऑफ लव, इमोशन, रिस्पेक्ट के थ्रू हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो डिजाइन चैनल्स हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे. ठीक है, ऐसा समझ में. फॉर्मल में वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, मतलब बॉस सुपीरियर सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, दो लेवल्स के लोग भी आपस में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो समझ आया सबको ना, दो डिविजन्स में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हो रहा है तो वो क्या है, वो वर्टिकल है. मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है. अब यहाँ पे ना आपको कुछ नेटवर्क दे रखे, जैसे चेन है, चेन के अंदर ए ने बी को किया, बी ने सी, सी ने डी, ये पूरा एक चेन की फॉर्म में चल रहा है, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, व्हील की अगर मैं बात करूं तो व्हील के अंदर क्या होता है, व्हील के अंदर होता है कि एक बीच में बंदा है, वो अपने सारे आसपास के बंदों से कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज व्हील नेटवर्क. सर्क्यूलर, एक ने दो को बताया, दो ने उसके नीचे वालों को बताया और आपस में कम्युनिकेशन हो. फ्री फ्लो, कोई भी किसी से भी ट्रांसफर कम्युनिकेट कर सकता है. इन्वर्टेड वी, ए ने अपने सबॉर्डिनेट बी को बताया, ए ने बी के सबॉर्डिनेट सी और डी को भी बता दिया और बी भी सी और डी से कम्युनिकेट कर सकता है. मतलब जो अल्टीमेट बॉस है वो सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन जो ये वाला बॉस है ये इन दोनों से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड वी बोलते हैं.
ओके सो जस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 2K सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट एंड लव. एंड आई होप एंड प्रे दैट एंड आई विश कि ये जो हमारा सब्सक्राइबर बेस है ये हम और आगे बढ़ाएं और इसको और ज्यादा अच्छी तरह से आगे लेके जाएं. और ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसको जितना शेयर कर सके उतना करें. थैंक यू सो 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 मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन्वर्टेड वी आई हैव मेड इट क्लियर. ओके, तो इनफॉर्मल के ऊपर आ जाते हैं हम लोग. अब देखो बेटा, इनफॉर्मल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इनफॉर्मल को हम ग्रेपवाइन भी बोलते हैं. ठीक है, जो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना उसको हम ग्रेपवाइन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको इसका सोर्स नहीं पता होता है. इनफॉर्मल तो आउट ऑफ लव इमोशन रिस्पेक्ट कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर रहा है, हमको पता ही नहीं बात कहाँ से निकल के आ रही है, बात किस सोर्स से आ रही है. तो जैसे ग्रेप पाइन में हमको पता नहीं होता ना कौन सी टहनी और कौन सी डाली कहाँ कहाँ पे जा रही है, उसी तरह से इनफॉर्मल में हमको पता ही नहीं होता कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है. और इनफॉर्मल कोई प्रॉपर चेन भी फॉलो नहीं करता, इसीलिए इनफॉर्मल को हम ग्रेप पाइन नेटवर्क बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको इनफॉर्मल के कुछ नेटवर्क दिख रहे होंगे, जैसे सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ने एक को बताया, फिर उस दूसरे ने तीसरे को बताया, फिर तीसरे ने चौथे को बताया, ऐसे करके आगे कम्युनिकेशन चल रहा है. गॉसिप, एक बंदा बैठा है उसके आसपास 10 लोग बैठे हैं, उसने उन 10 लोगों से बातें बता दी सारी, दैट इज गॉसिप नेटवर्क. प्रोबेबिलिटी, मेरे सामने 4 लोग हैं, 4 में से मैंने 2 को बताया रैंडमली, उन 2 के सामने भी 4 लोग हैं, उन 2 ने भी आगे 2 को बताया रैंडमली, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी. क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर मैं बैठी हूँ, 4 लोग हैं, 4 को बता दिया, फिर वो 4 लोगों के आगे 4 लोग हैं और बता दिया, ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है, इस तरह से ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज क्लस्टर. ये नेटवर्क्स है किसके, मतलब स्टाइल्स है कि इन तरीकों से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है. उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक है बैरियर्स, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, अभी हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर बच गया है जिसका वीडियो अपलोड हो जाएगा आज रात से पहले पहले. ठीक है, आज ही के दिन में आपको कंट्रोलिंग चैप्टर का वीडियो और PDF इसी चैनल पे मिल जाएगा. ये जो NCERT मैंने यूज की है और मैंने हाईलाइट की है, ये पूरी की पूरी NCERT हाईलाइटेड फॉर्म में आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाने वाली है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं ये वाली जो हमारा PDF है NCERT हाईलाइटेड वाला, ये मैं भेजने वाली हूँ. कंट्रोलिंग जो हमारा बच रहा है चैप्टर, आज की डेट में अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे. Stay tuned, don't forget to subscribe the channel because बहुत सारी अच्छी अच्छी videos आपके लिए आज ही आने वाली है. So I request all of you कि subscribe जरूर कर लेना इस channel को और bell icon press कर दो ताकि आपको सारी video का notification मिलता रहे. अभी के लिए bye bye everyone, take care, have a nice day and stay tuned.